राधे राधे बच्चों, राधे राधे। आज आपके लिए बेटा क्लास टेंथ के लिए एक बैच शुरू हो रहा है हमारी तरफ से, महाभारत बैच। और 1 नवंबर आने वाली है बच्चों, इसमें हम पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं मैथ का। तो यहाँ पर बेटा घमासान युद्ध होने वाला है एक्स और वाई का, तो हमारे साथ पूरे महीने बने रहे और आगे तक भी बने रहे। यहाँ पर हमारी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी बेटा कि किस तरह से हमें कौन सा चैप्टर कब खत्म करना है। अगर आप लोग हमारे साथ चलते हैं तो यकीन मानिए 3 से 4 बार एनसीईआरटी आपकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ हमने कुछ टाइम टेबल भी सेट करा हुआ है कि भाई 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है हम किस तरह से एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। फिर दिसंबर का महीना आएगा, उसमें भी हम एनसीईआरटी दोबारा से खत्म करेंगे। जनवरी आएगी, तब भी हम एनसीईआरटी दोबारा से खत्म करेंगे। ठीक है, फिर फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई 2022-23 के, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस मिलेगा विद एग्जाम्पल और विद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर हम लोग जो है मैथ का सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो आप लोग समझिएगा। जैसे और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि रोज आपको 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक वीडियो आपको रोज मिलेगी, चाहे वो मैथ की हो चाहे वो साइंस की हो। ठीक है, तो हमारी कोशिश अभी ये है कि हम मैथ का सिलेबस कंप्लीट करवाएं, तो रोज 1 तारीख से लेकर आपको रोज शाम को एक वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो टाइम टेबल हमने किस तरह से सेट किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1 नवंबर से लेके हम 10 नवंबर तक, ठीक है बेटा, चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 कंप्लीट करने वाले हैं मैथ के क्लास 10th के। ध्यानपूर्वक समझिएगा बेटा, यहां पर आपको इन 5 चैप्टरों में आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे, PYQ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं करवाऊंगा। ठीक है, और एक क्लास में ऐसे भी रखूंगा जिसमें सारे PYQ क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 5 के एक टेस्ट सीरीज बना के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वीडियोस में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 5 चैप्टर तक पूरे एनसीईआरटी से अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या होगा, 11 नवंबर से लेके और 20 नवंबर तक जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारे चैप्टर होंगे बेटा 6, 7, 8 और 9। क्लियर हो गया बेटा? यहां पर भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर होगा जो हम पहली वाली टेस्ट सीरीज में करने वाले हैं। ठीक है, और नाउ थर्ड क्या होगी हमारी, 21 नवंबर से लेके बेटा 30 नवंबर तक, यहां पर हम कंप्लीट करेंगे बेटा 10 चैप्टर। 11 आपका कट चुका है, 12 चैप्टर, 13 चैप्टर, 14 और 15 चैप्टर आपकी यहां पर एक बार एनसीईआरटी पूरी नवंबर में खत्म हो जाएगी। रेगुलर बेसिस पर आपको चाहे कितने भी मिनट की वीडियो हो, आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखनी है और अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, साथ के साथ मेरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे कि 1 नवंबर से कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे। अगर बच्चों के कमेंट आते हैं, जो भी आप शुरू करवाना चाहते हो बेटा इस वाली पोर्शन में, जो भी चैप्टर आप शुरू करवाना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वही चैप्टर जो बच्चों के ज्यादा कमेंट आएंगे वही चैप्टर हम शुरू कर लेंगे। क्लियर हो गई अगली बात? उसके बाद बड़ा साइंस का जो है टाइम टेबल वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि भाई साइंस में किस तरह से करेंगे, उसके भी PYQ करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है 1 नवंबर से आपको पहली वीडियो महाभारत बैच की आपको मिल जाएगी। ठीक है बेटा, थोड़ा सस्ता जुगाड़ है लेकिन आप कोऑपरेट करिएगा और सपोर्ट करिएगा, काफी अच्छी तरीके से हर एक बच्चे की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन है आपका वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ के सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और उसके फिर रिप्लाई भी करूंगा। और अगर कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल सकता हूँ वो मैं शॉर्ट वीडियो में बना के डालूंगा। ठीक है बेटा, जब तक के लिए थैंक यू।